दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको 10 ऐसी सीख देने वाले हैं जो आपके जीवन में आगे बढ़ने में मदद करेगी और आपको एक नई राह दिखाएगी। साथ ही आपको हर परेशानी का निवारण भी मिल जाएगा। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और कमेंट बॉक्स में एक बार सच्चे दिल से जरूर लिखिएगा जय श्री कृष्ण। दोस्तों, आपने कभी बहती हुई नदी को ध्यान से देखा है? बड़ी तेजी के साथ बहना शुरू करती है। शुरुआत से ही उसका लक्ष्य अपनी मंजिल को प्राप्त करना होता है, जो कि सागर होता है। रास्ते में हजारों बाधाएं आने पर भी वह लगातार बहती रहती है। भले ही कुछ जगहों पर उसका रफ्तार कम हो जाए, लेकिन वह कभी रुकती नहीं है। अपनी सुरीली आवाज़ के साथ बहती हुई नदी अपनी मंजिल की ओर लगातार बढ़ती रहती है और कैसी भी हो अपना लक्ष्य प्राप्त करके ही रहती है। सोचो, यदि नदी बीच में ही बहना छोड़ दे तो क्या होगा? उसका पानी ठहर जाएगा और वह कुछ ही दिनों में सूख कर नष्ट हो जाएगी। दोस्तों, यही हमारे जीवन में होगा। यदि सफल होने के लिए आप कोई लक्ष्य तय करते हैं तो उस लक्ष्य तक पहुंचने की पहली शर्त यह है कि आपको लगातार अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहें। यदि कहीं रुके तो असफलता निश्चित है। अपने मनपसंद लक्ष्य तक पहुँचना आसान कार्य नहीं होता। यदि आसान होता तो आज दुनिया के सभी लोग सफल होते। सफलता के रास्ते में बहुत सी बाधाएं सामने मुंह फैलाए खड़ी मिलती हैं। ये बाधाएं हमें रोकने की पूरी कोशिश करती हैं। जो लोग मन से कमजोर होते हैं, जिनका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत कम होता है, वह इन परेशानियों के आगे झुक जाते हैं और असफलता को स्वीकार कर लेते हैं और बाद में अपने भाग्य को कोसते हैं। लेकिन आप जैसे वीर लोग इन परेशानियों का सीना तान कर सामना करते हैं। भले ही लक्ष्य तक पहुंचने की गति में कुछ समय के लिए कमी आ जाए, लेकिन रुकते कभी नहीं। और जो रुकते नहीं हैं, उन्हें अपनी मंजिल तक पहुंचने से कोई रोक नहीं सकता। समय हमेशा चलता रहता है, इसलिए दुनिया का हर इंसान समय का गुलाम। हवा हमेशा चलती रहती है, कभी कम रफ्तार से तो कभी तेजी से, लेकिन रुकती कभी नहीं है। इसलिए दुनिया के किसी भी जीव का जीवन हवा के बिना संभव ही नहीं है। संपूर्ण ब्रह्मांड, जिसमें अरबों गैलेक्सी, खरबों तारे हैं और अनगिनत ग्रह हैं, सभी चलते रहते, कभी रुकते नहीं। प्रकृति का नियम है, जो रुक गया उसका असफल होना या नष्ट होना तय है। यदि आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते हैं तो आज से ही अपनी कमर कस लीजिए और खुद से वादा कीजिए कि कभी रुकना नहीं है। श्री कृष्ण कहते हैं, परिवर्तन जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। ये विकास और प्रगति का संकेत है। जब हम परिवर्तन को स्वीकार करते हैं तो हम नई चीज़ें सीखते हैं और अपनी क्षमताओं को बढ़ाते हैं। परिवर्तन हमें नई चुनौतियों का सामना करने का अवसर देता है और हमें मजबूती से खड़ा करता है। ये हमारे सोचने और कार्य करने के तरीके को निखारता है। परिवर्तन का स्वागत करने से हम अपनी ज़िंदगी को बेहतर बना सकते हैं और हर स्थिति में सफल हो सकते हैं। इसलिए परिवर्तन को अपनाएं और अपने जीवन को सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ाएं। श्री कृष्ण कहते हैं, सपनों का पीछा करना हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। सपने हमें प्रेरित करते हैं और हमें हमारे लक्ष्यों की ओर बढ़ने के लिए ऊर्जा देते हैं। लेकिन सपनों का साकार करने के लिए हमें सही मार्गदर्शन और दृढ़ संकल्प की आवश्यकता होती है। सबसे पहले सपनों को स्पष्ट रूप से परिभाषित करें। ये जानना जरूरी है कि आप क्या चाहते हैं और क्यों चाहते हैं। स्पष्ट और ठोस लक्ष्यों के बिना हम सही दिशा में नहीं बढ़ सकते। दूसरा, एक ठोस योजना बनाएं। अपने सपनों को छोटे छोटे लक्ष्यों में विभाजित करें और प्रत्येक लक्ष्य को पूरा करने के लिए एक समय निर्धारित करें। तीसरा, कड़ी मेहनत और समर्पण। चौथा, आत्मविश्वास बनाए रखें। दोस्तों, सपनों का पीछा करना कठिन होता है, लेकिन ये असंभव नहीं है। सही दिशा, मेहनत और आत्मविश्वास से आप अपने सपनों को साकार कर सकते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि मुश्किल समय में धैर्य रखना हमारे जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। जीवन में कई बार ऐसी परिस्थितियां आती हैं जब सब कुछ हमारे खिलाफ लगता है। ऐसे समय में धैर्य रखना और अपनी सकारात्मक सोच बनाए रखना बहुत जरूरी है। धैर्य हमें मानसिक स्थिरता और शांति प्रदान करता है। ये हमें कठिनाइयों का सामना करने की शक्ति देता है और हमें ये विश्वास दिलाता है कि हर मुश्किल के बाद अच्छे दिन अवश्य आते हैं। संघर्ष और सफलता एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। बिना संघर्ष के सफलता की कल्पना नहीं की जा सकती।
संघर्ष ही वह मार्ग है जो हमें सफलता की ऊंचाइयां तक पहुंचाता है। संघर्ष हमें जीवन में आने वाली कठिनाइयों का सामना करने की ताकत देता है। यह हमारे व्यक्तित्व को निखारता है और हमें मानसिक और शारीरिक रूप से मजबूत बनाता है। दोस्तों, याद रखें कि संघर्ष और सफलता एक दूसरे के पूरक है। संघर्ष के बिना सफलता की प्राप्ति संभव नहीं है। इसलिए जीवन में आने वाली हर चुनौती का सामना धैर्य और दृढ़ता के साथ करें और अपनी सफलता की कहानी खुद लिखें। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, सकारात्मक आदतें हमारे जीवन को सफल और खुशहाल बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। सकारात्मक आदतें जैसे नियमित व्यायाम, संतुलित आहार, समय प्रबंधन और ध्यान हमें मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ रखती है। ये आदतें हमें आम नियंत्रण और अनुशासन सिखाती हैं, जिससे हम अपने लक्ष्यों को प्रभावी ढंग से प्राप्त कर सकते हैं। जब हम किसी समस्या का सामना करते हैं तो सबसे पहले हमें उसे एक चुनौती के रूप में स्वीकार करना चाहिए। समस्या को अवसर में बदलने का पहला कदम है सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाना। सकारात्मक सोच हमें हर स्थिति में समाधान खोजने के लिए प्रेरित करती है। दूसरा, रचनात्मक सोच विकसित करें। समस्याओं को सुलझाने के लिए नए और अनूठे तरीके का इस्तेमाल करें। तीसरा, धैर्य और दृढ़ता बनाए रखें। हर समस्या का समाधान समय लेता है। धैर्यपूर्वक और दृढ़ संकल्प के साथ समस्याओं का सामना करें। महान व्यक्तियों की कहानी हमें सिखाती है कि उन्होंने अपनी समस्याओं को अवसरों में बदलकर ही सफलता प्राप्त की है। श्री कृष्ण कहते हैं, समय हमारे जीवन का सबसे मूल्यवान संसाधन है। इसे हम ना तो खरीद सकते हैं, ना ही संग्रहित कर सकते हैं। एक बार जो समय बीत जाता है कभी लौट कर नहीं आता, इसलिए समय का सही उपयोग करना बेहद जरूरी है। सबसे पहले समय प्रबंधन का महत्व समझें, अपने कार्यों को प्राथमिकता दें और एक दैनिक योजना बनाएं। दूसरा, सक्रिय रहे, आलस्य और टाल मटोल की आदत से दूर रहे। तीसरा, अपने समय का सही निवेश करें, सीखने और विकास के लिए समय निकालें। अंत में परिवार और दोस्तों के साथ समय बिताएं। अपने प्रियजनों के साथ समय बिताना न केवल आपको खुशी देता है बल्कि ये हमारे मानसिक स्वास्थ्य को भी बेहतर बनाता है। समय की कीमत समझें, इसका सदुपयोग करें। एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में एक किसान ने सोचा कि वह अपने खेत में सबसे अच्छा अनाज उगाएगा। वह जानता था कि उसके पास सीमित धन है, लेकिन उसके पास एक चीज थी जो सबसे महत्वपूर्ण थी, वो था समय। किसान ने अपने खेत की मिट्टी को तैयार करना शुरू किया। दिन रात मेहनत की, खेत को साफ किया, सबसे अच्छे बीज बोए, लेकिन खेत में काम करना आसान नहीं था। हर दिन उसे सूरज की गर्मी, बारिश और कीचड़ों का सामना करना पड़ता। कई बार लगा ऐसा कि सब कुछ छोड़ दे, लेकिन फिर उसने खुद से कहा, अगर मैं मेहनत और लगन से काम करता रहूँगा तो एक दिन फल अवश्य मिलेगा। कुछ हफ्तों बाद बीजों से छोटे छोटे पौधे उगने लगे। किसान ने उसका ध्यान रखा, पानी दिया, खरपतवार हटाया। एक दिन आसपास के लोगों ने उससे कहा, इतनी मेहनत क्यों कर रहे हो, इतना समय देने का कोई फायदा नहीं। लेकिन किसान ने उनकी बातों को नज़रअंदाज किया। उसने सोचा, सच्ची मेहनत और ईमानदारी का फल हमेशा मिलता है। समय चाहे जितना भी लगे, पर अगर मैं अपना काम ईमानदारी से करता रहूं, तो परिणाम अच्छा ही रहेगा। कुछ महीनों बाद खेत में अनाज से भरी बालियां लहलहाने लगी। यह देखकर गांव के लोग हैरान रह गए। वो किसान के पास आए और बोले, तुमने तो नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया। किसान ने मुस्कुराया और कहा, ये कोई चमत्कार नहीं, ये केवल समय की कद्र, संघर्ष, मेहनत, लगन और ईमानदारी का नतीजा है। अगर मैं किसी दिन आलसी बनकर बैठ जाता तो ये अनाज कभी नहीं उगता। जीवन में कुछ भी पाना है तो समय को बर्बाद किए बिना काम करना जरूरी है। ये कहानी हमें यही सिखाती है कि सफलता पाने के लिए संघर्ष और मेहनत से बढ़कर कुछ नहीं है। समय के कद्र और ईमानदारी से किया गया काम कभी व्यर्थ नहीं जाता। अगर हम अपने काम में लगन और धैर्य रखें तो जीवन में कोई भी मुश्किल काम आसान हो सकता है। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना। मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखिए। जय श्री कृष्ण।